अक्सर हम रोज़ घर पे आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं। आई गेस हफ्ते में एक आध बार तो आपके घर पे आलू भिंडी की सब्ज़ी बनती ही होगी, तो एक बार ये मेरा वर्जन ज़रूर ट्राई करना। दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट हाउस रेसिपी व्हाट आई एम शेयरिंग इट विथ यू ऑल। सबसे पहले भिंडी को प्रॉपरली वॉश कर लेना है और वॉश करके उसको कम्प्लीटली ड्राई करना है। जितनी आपकी भिंडी ड्राई होगी उतनी ही वो स्टिकी नहीं होगी। एंड नाउ वी विल कट देम इनटू डाइसेस। उसी तरह से आलू को भी पील करके उसको डाइसेस में कट कर लेंगे। अक्सर हम जब भी घर पे सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका कटिंग चॉपिंग भी बहुत मैटर करता है। जितना सेम साइज़ का कटिंग चॉपिंग होगा उतना ही देखने में सब्ज़ी जो है वो अच्छी लगेगी और टेम्पटिंग लगेगी। तो बस फाइनल तड़का करने के लिए ऑयल लेना है, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे, ग्रीन चिली और एसाफोइटिडा। ये सबको बहुत अच्छे से भून लेना है। अभी प्याज डालेंगे, ऑनियन। अगेन दिस इज माय वर्जन ऑफ आलू भिंडी जिसमें मैं प्याज डालती हूँ। अगर आप चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी हम ऐड करेंगे चॉप किए हुए आलू और उसको कवर करके थोड़ी देर पकने देंगे। अभी मसाले कर लेंगे। विल ऐड हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और थोड़ा सा आमचूर मसाला और नमक स्वादानुसार। गरम मसाला अगेन ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो या आप अवॉइड भी कर सकते हो। कसूरी मेथी मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मुझे लगता है कि इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अलग आएगा और अच्छा आएगा, इसलिए मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। एंड नाउ फाइनली भिंडी डालेंगे और सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी हम भिंडी डालते हैं उसके बाद गैस को फुल फ्लेम पे कर लेना है और उसको कुक होने देना है। वे प्रॉपरली कुक हो जाए उसके बाद धनिया डाल के फाइनली सर्व करेंगे। इस तरह से आलू भिंडी को एंजॉय कीजिए रोटी या पराठा के साथ। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।